नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण। दुनिया में जल के लिए खून बहा रहे हैं लोग। पूरे विश्व में लगभग 5 अरब लोग जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आखिर ये कैसी भविष्यवाणी? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे संकट के विषय में जिसके विषय में आप सोच भी नहीं सकते हैं, या फिर हम इसको लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। देखिए, अब तक हमने बात की प्राकृतिक आपदाओं की, अब तक हमने बात की जल तांडव की, अब तक हमने बात की अग्नि तांडव की, अब तक हमने बात की वायु तांडव की। भविष्य मालिका के विषय में भी हमने समझा कि किस प्रकार से भविष्य मालिका में बताया गया है कि आने वाले समय में किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, किस प्रकार से जल प्रलय होगा, किस प्रकार से वायु तांडव आएगा। परंतु आज का जो विषय हम लेकर आए हैं, या फिर आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, वो इतना खतरनाक है कि यदि इसकी कमी हो गई तो आप केवल और केवल 24 घंटे ही जीवित रह पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि ये कितना गंभीर हो सकता है। कहा जाता है कि भोजन के बिना तो आप 3 दिन जीवित रह सकते हैं, परंतु जल के बिना आप एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितना गंभीर खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, या फिर यूं कहें कि पूरे विश्व पर एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, जिसके विषय में कहीं ना कहीं मनुष्य जाति जो है वो बेपरवाह है, लापरवाह है, वो इस विषय में नहीं सोच पा रही है, जो कि बहुत ही गंभीर है। देखिए, यदि हम अग्नि तांडव की बात करें तो देखिए इस बार कितना अधिक गर्मी बढ़ा है। इसका एक मात्र कारण ये रहा है कि लगातार जो वृक्षों की कटाई की जा रही है पूरे विश्व में या फिर भारत में, उस कारण से आप देखिए कि वातावरण जो है वो गर्म होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार अभियान भी चलाया जा रहा था कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आप अपने जीवन में एक वृक्ष का रोपण करते हैं, यानी कि एक वृक्ष लगाते हैं, तो कहा जाता है कि आप एक व्यक्ति के जीवन को दे रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक वृक्ष लगाता है तो वो एक मनुष्य को जीवन दे रहा है, वो एक मनुष्य को उत्पन्न कर रहा है। देखिए, न केवल मनुष्य अपितु आप देखिए कि जितने भी इस धराधाम पर जीव हैं, चाहे वह मनुष्य की बात करें या फिर अन्य जीवों की बात करें, कहीं ना कहीं वृक्षारोपण से उन्हें जो है लाभ मिलता है। सभी लोग एक वृक्ष के माध्यम से कहीं ना कहीं श्वसन क्रिया कर पाते हैं, जिस कारण आप देखिए कि उनका जीवन चल पाता है। तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि वृक्ष हमारे इस प्रकृति के लिए या फिर हमारे इस धराधाम के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि पूरे विश्व में एक भी वृक्ष ना हो तो आप सोचिए कि क्या यहाँ पर वायु लेना संभव हो पाएगा? कहीं ना कहीं ये संभव नहीं हो पाएगा। यदि वृक्ष इस धराधाम पर ना हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति जीवित बचेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। जब आप वृक्षारोपण करेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी को जीवन दे रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक वृक्ष लगा करके आप कहीं ना कहीं प्रकृति में अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, इसे ही तो सेवा कहा जाता है, इसे ही तो पुण्य कर्म कहा जाता है। पुण्य का तात्पर्य कतई नहीं है कि आप जो है किसी व्यक्ति को भोजन करवाएं या फिर किसी व्यक्ति को अपने घर में ला करके रखें। पुण्य का तात्पर्य यह भी है कि यदि हम वृक्ष लगाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी व्यक्ति के जीवन को बचा रहे हैं, या फिर हम प्रकृति को नया जीवन दे रहे हैं, हम जो है किसी व्यक्ति को जीवन दे रहे हैं। वैसे भोजन करवाना चाहिए, भोजन करवाना जो है एक अच्छी सेवा है। जो लोग भोजन के योग्य हैं, जो लोग भोजन नहीं कर पाते हैं, उन्हें हमें भोजन अवश्य करवाना चाहिए। परंतु ये जो वृक्षारोपण का अभियान है, या फिर जब हम वृक्ष लगाते हैं, तो आप सोचिए कि अप्रत्यक्ष रूप से आप कितने जीवों को जीवन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आइए अपने विषय पर लौटते हैं कि ये जो खतरा आ रहा है वो कहीं ना कहीं जल का खतरा है। आप देखिए कि लगातार विश्व में जल की कमी होती चली जा रही है, जिसके कारण जो पीने योग्य जल है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास भोजन है, आपके पास अन्न है, आपके पास बहुत सारा धन भी है, आपके पास बहुत सारा वैभव भी है, और आप कल्पना कीजिए कि आपके पास यदि जल ना हो तो आप क्या जीवन यापन कर पाएंगे, या फिर आप क्या जीवित बच पाएंगे? कहीं ना कहीं इसका उत्तर यही होगा कि आप जीवित नहीं बच पाएंगे। जल के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, चाहे वह मनुष्य की बात करें या फिर हम बात करें किसी भी जानवर की या जीव की, कोई भी यहाँ पर बिना जल के नहीं रह सकता है। देखिए, पृथ्वी में जो जल है वो लगातार सूखता चला जा रहा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप देखिए पृथ्वी कहीं ना कहीं विषैली होती चली जा रही है। आप देखिए किसान जो है लगातार अपने खेतों में वो जहरों का छिड़काव कर रहे हैं, विष का छिड़काव कर रहे हैं, जिसके कारण आप देखिए कि जो धरती के नीचे जल था वो लगातार नीचे की ओर चला जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो धरती के भीतर पहले जल आता था वो धीरे धीरे सूख रहा है, जो कि बहुत ही
खतरनाक बात है। अब देखिए इसे हो ये रहा है कि पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं जल का संकट देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जल के लिए लोग जो है एक दूसरे का जो है हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे का खून पी रहे हैं। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति आ रही है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है कि जल के कारण कहीं ना कहीं लोग अब तड़प तड़प कर मरने वाले हैं। देखिए 2023 में एक आंकड़ा आया था जिसमें बताया गया था कि जल को लेकर के अब तक भारत में 500 से अधिक जो है हिंसा हो चुका है, यानी कि हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि पूरे विश्व की यदि हम बात करें या फिर पूरे विश्व का यदि आंकड़ा निकाला जाए तो ये संख्या लाखों में जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जल के लिए आप देखिए कि लोग लगातार हिंसक हो रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीने योग्य जल की। वैसे समुद्र में आपने देखा होगा कि समुद्र जो है वो जल से भरा रहता है, परंतु समुद्र का जो जल है वो पीने योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि समुद्र के अंदर जो है बहुत सारा नमक होता है जिसका सेवन हम नहीं कर सकते, यानी कि आम जीवन में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए अमेरिका की एक संस्था जिसे कैलिफोर्निया थिंक टैंक कहा जाता है, उसने कहा है कि यदि ऐसा ही चलता रहा है, यानी कि जल का संकट ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही जल की कमी होती रही, तो 2030 तक जो है पीने योग्य जो जल है वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। यानी कि एक बूंद भी जल जो है इस धराधाम पर नहीं बचने वाला है। चाहे आप धरती को खोद करके जल निकालने का प्रयास करें, या फिर जो ऊपर से जल आता है यानी कि जो प्रकृति से जल मिलता है, जो बरसात के द्वारा जल मिलता है, वो भी हमें नहीं मिलने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है वो कितना खतरनाक है। ये बात कोई छोटी मोटी संस्था ने नहीं कहा है, आप सोचिए कि अमेरिका के एक बड़ा संस्था ने ये बात कहा है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि ये बात कितनी गंभीर है। कहीं ना कहीं अब हमें इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। देखिए मनुष्य को इस विषय को लेकर के गंभीर होना ही चाहिए, क्योंकि जल एक ऐसा मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। देखिए भोजन के बाद भी हमें जल चाहिए, और चाहे किसी भी कार्य हेतु, स्नान हेतु, चाहे यदि हम बात करें भोजन पकाने हेतु, या फिर जो भी कार्य हम अपने आम दिनचर्या में करते हैं उसमें जल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप देखिए कहा जाता है कि मनुष्य का जो शरीर बना हुआ है वो भी 70% जल से बना हुआ है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं हम अन्न के बिना तो जीवन यापन कर सकते हैं, परंतु जल के बिना एक आम जनमानस अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। देखिए सिद्ध जो योगी होते हैं, सिद्ध जो महात्मा होते हैं, जो साधना के मार्ग पर चलते हैं, कहा जाता है कि उन्हें ना तो जल की आवश्यकता है और ना ही अन्न की आवश्यकता है। तो वो लोग जो होते हैं वो बहुत सारा साधना करते हैं, बहुत सारा ध्यान करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे लोग जितेंद्रिय बन जाते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से वो लोग तो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य उस मार्ग पर नहीं चल सकता है, प्रत्येक मनुष्य उस प्रकार से साधना नहीं कर सकता है। तो आप सोचिए कि ये जो संकट है वो कितना गंभीर होने वाला है, कितना खतरनाक होने वाला है। देखिए हाल ही में एक आंकड़ा आया था जिसमें यह पता चला था कि पूरे विश्व में लगभग 2 अरब से अधिक लोग बिना जल के ही कहीं ना कहीं निद्रा के लिए चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 2 अरब लोग ऐसे हैं जो जल से वंचित हैं, और हम देखिए जल का किस प्रकार से दोहन करते हैं। कहीं ना कहीं यदि आप अपने जीवन में देखें तो कहीं ना कहीं हम जल के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार हम उसका दोहन कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि जब हमारे पास कोई वस्तु होती है तो हम उसे महत्व नहीं देते हैं, परंतु जब वह वस्तु हमारे पास से चली जाती है तब समझ में आता है कि उसका महत्व क्या है। यानी कि सीधे बात यह है कि जब आपको भूख लगी हो तभी आपको अन्न का महत्व समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से जल को बचाना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप जल को बचाते हैं और जल को बचाने के लिए जो व्यवस्थाएँ हम कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए यदि हम प्रकृति का दोहन ना करें और प्रकृति के अनुसार यदि हम जल को बचाने का प्रयास करें तो आप देखिए निश्चित रूप से ये जो संकट आ रहा है इससे हम बच सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य ये है कि मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं विनाशकारी बन चुका है, वो समझ नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से वो प्रकृति का विनाश कर रहा है। देखिए अन्य जीव जो होते हैं वो प्रकृति में अपना योगदान देते हैं, परंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कहीं ना कहीं लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिसके कारण आप देखिए एक समय बाद इस प्रकृति का विनाश हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस धराधाम पर एक महाविनाश आएगा जिसके बाद यहां से जीवन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सकें किस प्रकार से यह जल संकट आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं पूरे मनुष्य जाति पर खतरा मंडरा रहा है। हम जुड़ते हैं तब तक, यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं।
क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।